ये जो अभी वायरल चल रहा है, जिसका जिक्र आपने किया है कि रनी नोज है, जो थ्रॉट है वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो चुका है, बुखार चल रहा है, तो क्या ये अगर हम किसी के टच में आते हैं तो उसको भी फैल सकता है? तो हमें बचाव कैसे रखना होगा, क्या कुछ करना होगा कि हम बच सकें? देखिए, बचने का उपाय हर एक रेस्पिरेटरी डिजीज में एक ही है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपना इम्यूनिटी इंप्रूव रखें, जी अच्छा रखें। दूसरा है उपाय कि अपने हैंड हाइजीन पर ध्यान रखें। तीसरा उपाय है जो आमतौर पर जाड़े में होता है, उसमें विटामिन डेफिशिएंसी डी टाइप का विटामिन शायद कम हो सकता है, क्योंकि जाड़े में लोग कम एक्सपोजर में रहते हैं। अभी जो मौसम है उसमें आमतौर पे लोग बाहर निकलते हैं तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होती जी। उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज जरूरी है, और आमतौर पे हमारे को ये ध्यान रखना है कि कोई रेस्पिरेटरी इंफेक्शन आया है तो हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करा जी, एक बार चेकअप करा ले, यदि 3 दिन से ज्यादा चल रहा है। डॉक्टर, ये जो H3N2 वायरस की बात लगातार हो रही है, बहुत सारे डॉक्टर्स इस पर बात कर रहे हैं, वायरल इन्फेक्शन बता रहे हैं इन्फ्लुएंजा ए वायरस का, रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन जो है वो हर बार, हर साल, हर जब वेदर चेंज होता है तो बदलते रहते हैं, ये कितना खतरनाक हो सकता है अगर सही समय पर सही प्रिकॉशंस ना लिए जाए तो? ये जो वायरस है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस जो है उसके टाइप्स हैं ए बी सी डी, और इन्फ्लुएंजा ए कॉमनली होता है, बी भी कई बार होता है, और ए में इनकी जो हम नामकरण करते हैं उसमें दो टाइप के सब प्रोटीन्स होते हैं, हीम एग्लुटिनेज और न्यूरामिनिडेज। तो एच जो है वो हीम एग्लुटिनेज को शो करता है और एन इज फॉर न्यूरामिनिडेज। इसमें शिफ्टिंग और ड्रिफ्टिंग चलती रहती है, वायरस में थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है आमतौर पे, और ये सबसे पहले 1968 में H3N2 देखा गया था, और उसके बाद से बीच में आपको याद होगा 2009 में H1N1 आ गया था। वो सब टाइप खतरनाक था और वो पैंडेमिक हो गया था, एपिडेमिक हमारे इंडिया में हो गया, फिर कई जगह हुआ, पैंडेमिक हो गया था, लेकिन वो बाद में कंट्रोल हो गया। तो इनमें शिफ्टिंग ड्रिफ्टिंग चलती रहती है और 10-50 ईयर्स के अंतराल पे इनका एपिडेमिक हो जाया करता है और पैंडेमिक हो जाया करता है जी। लेकिन यूजुअली ये समाज में रहता है। तो अभी वाली जो वेराइटी है ये H2N2 है, H3N2 खतरनाक नहीं है, बस ये है कि बुखार तो 2-3 दिन रह रहा है, उसके बाद जो स्नीजिंग या माइल्ड कफिंग जो एक्सटेंड कर रहा है जी, बस उसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम घर में रहें, रेस्ट करें अच्छी तरह, और खूब एडिक्वेट फ्लूइड लें, तरल पदार्थ खूब लें, तो हम ठीक रहते हैं आमतौर जी। इसके अलावा डॉक्टर, देखिए जब से कोरोना वायरस आया है 2020 के बाद से ही जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो लोगों में ऐसा लग रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं कि वो ढंग से सांस नहीं ले पा रहे हैं, जब वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो उनकी सांस फूलने लग जाती है, जो ये मौसमी वायरल है या वायरसेस है वो कितना घातक हो सकते हैं कोरोना वायरस के बाद, क्योंकि लोगों की रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बहुत गहरा असर पड़ा है? देखिए, कोरोना वायरस भी 1930 से वर्ल्ड में है। पहले ये बर्ड्स में देखा जाता था 1930s में, 1960s में ह्यूमन में भी देखा गया था, माइल्ड इंफेक्शन हुआ करता था। जो इसकी वैरायटी आई 19 नवंबर दिसंबर में जो आई, जिसके बाद इसका नाम दिया गया COVID-19 जी, SARS-CoV नोवेल वायरस N19 नाम दिया गया, ये उसकी दूसरी वैरायटी थी, खतरनाक वैरायटी, जिसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज्यादा थी, इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा था, और उसके चलते बहुत लोगों की डेथ भी हुई। तो अदरवाइज ये कोरोना वायरस भी वर्ल्ड में पहले से है। अभी जो उसकी टाइपिंग चल रही है
उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। और हमारे इंडिया में तो वैक्सीनेशन का इतना ज्यादा अच्छा अमाउंट हुआ है, इतना कवरेज हुआ है वैक्सीनेशन का जी, कि उसके बाद हम लोगों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मास इम्यूनिटी आ चुका है, तो उसमें भी यही सेम जैसे इन्फ्लुएंजा में होता है, उसमें भी कोरोना वायरस में भी जो सिम्टम्स हैं वही सेम है।